आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि फेसबुक मैसेंजर पे अकाउंट को कैसे ऐड करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फेसबुक मैसेंजर पे अकाउंट को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको फेसबुक मैसेंजर ऐप को ओपन करना है। तो चलिए हम फेसबुक मैसेंजर ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ऊपर में आपको ये चार्ट्स के बगल में यहाँ पर आपको फेसबुक मैसेंजर का प्रोफाइल आइकन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक अकाउंट वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको एक स्विच अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस स्विच अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ऐड अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है। तो अकाउंट ऐड करने के लिए ऐड अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर किसी में से एक चीज़ को आपको टाइप कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो भी टाइप करना हो यहाँ पर आपको टाइप कर लीजिएगा। और यहाँ पर टाइप करते वक्त आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करना है। अगर आप गलती कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पाएगा और यहाँ पर आपको दिक्कत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी हम डालते वक्त आपको ध्यान दे देना है। ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर जो भी डाले आपको ध्यान दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फेसबुक का पासवर्ड टाइप करना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना फेसबुक का पासवर्ड टाइप करते हैं। तो यहाँ पर आपको फेसबुक का पासवर्ड टाइप करते वक्त इसमें भी ध्यान देना है, नहीं तो आप गलती कीजिएगा तो यहाँ से आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर दोनों चीज़ डालने के बाद नीचे में आपको एक ऐड का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सर्च होने लगेगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जब तक सर्च हो तब तक आपको अपने मोबाइल का कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ कुछ होते रहेगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रोसेस होते रहेगा, तब तक आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हमारा अकाउंट अब यहाँ पर ऐड हो गया है। तो चेक करने के लिए आपको यहाँ पर चार्ट्स के बगल में आपको एक फेसबुक मैसेंजर का प्रोफाइल आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे उस स्विच अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा दूसरा अकाउंट भी ऐड हो गया है। तो इसी तरह से आप भी अपने फेसबुक मैसेंजर पर दो अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो आप नए वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।